मत्स्य पुराण के 10वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में बहुत अच्छी कथा है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस वर्ण के पितर कौन से लोक में निवास करते हैं और पितर लोक कहां स्थित हैं। तो आइए श्रोताओं, ये रहस्यमय वीडियो मैं आरंभ करता हूं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, स्वर्ग में विभ्राज नामक अन्य तेजस्वी लोक भी हैं, जहां परम श्रेष्ठ उत्तम व्रत परायण बहिर्षद नामक पितर निवास करते हैं, जहां मयूरों से युक्त हजारों विमान विद्यमान हैं, जहां संकल्प के लिए प्रयुक्त हुए कुश फल देने के लिए उन्मुख होकर उपस्थित रहते हैं, एवं जहां की अभ्युदय शालाओं में पितरों को श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग आनंद मनाते रहते हैं, देवताओं और असुरों के गण, गंधर्वों और अप्सराओं के समूह तथा यक्षों और राक्षसों के समुदाय स्वर्ग में उन पितरों के निमित्त यज्ञ का विधान रख करते। महर्षि पुलस्त के सैकड़ों पुत्र, जो तपस्या और योग से परिपूर्ण महान आत्मबल से संपन्न, महान वैभवशाली एवं अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, वह निवास करते हैं। इन पितरों की एक मानसी कन्या थी जिसका नाम था पीबरी। उस योगिनी एवं योग माता पीबरी ने अत्यंत कठोर तप किया। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। तब पीबरी ने श्रीहरि विष्णु से यह वरदान मांगा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे योग अभ्यासी, अत्यंत सौंदर्यशाली, जितेंद्रिय और वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ एवं पालन पोषण करने वाला पति प्रदान कीजिए। ये बात सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, हे सुब्रते, जब महर्षि व्यास के पुत्र सुख जन्म धारण करेंगे, उस समय तुम उन योगाचार्य की पत्नी कहलाओगी। उनके संयोग से तुम्हें एक योग अभ्यास परायण कृति नाम की कन्या उत्पन्न होगी। तब तुम उसे मानव योनि में उत्पन्न हुए पांचाल नरेश, नीप मतांतर में मनवंतर के अधिपति थे अणु को समर्पित कर देना। तुम्हारी वह योग सिद्धा कन्या कृति ब्रह्मदत्त की माता होगी और गौ नाम से प्रसिद्ध होगी। उसके बाद कृष्ण, गौर, प्रभु और शंभु नामक तुम्हारे चार पुत्र होंगे, जो महान आत्मबल से संपन्न एवं महान भाग्यशाली होंगे और अंत में परम पद को प्राप्त करेंगे। उन पुत्रों को पैदा करने के पश्चात तुम पुनः अपने योग बल से वर प्राप्त कर लोगी और अंत में मोक्ष प्राप्त करोगी। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र सुकाली नामक पितर, जो सब के सब मानस नाम से विख्यात हैं, अत्यंत सुंदर रूप वाले तथा धर्म की मूर्ति हैं। वे सभी स्वर्गलोक से परे ज्योतिर्भासी लोक में निवास करते हैं, जहां श्राद्धकर्ता शूद्र होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। उन वहां के जो श्राद्धकर्ता हैं, वो विमानों में विराजमान होकर के क्रीड़ा करते रहते हैं। वहां क्रियानिष्ठ एवं भक्तिमान श्राद्धदाता ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है। इन पितरों की गौ नाम की एक मानसी कन्या स्वर्गलोक में भी विराजमान है, जो शुक्र की प्रिय पत्नी और साध्यों की कीर्ति का विस्तार करने वाली है। इसी प्रकार सूर्य मंडल में मरीची गर्भ नाम से प्रसिद्ध एक अन्य लोक भी है, जहां अंग्रा के पुत्र हविष्मान नामक पितरों के निवास स्थान है। ये राजाओं क्षत्रियों के पितर हैं और जो स्वर्ग एवं मोक्ष फल के प्रदाता हैं, जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थों में श्राद्ध करते हैं, वे इन लोकों को जाते हैं। इन पितरों की एक यशोदा नाम की लोक प्रसिद्ध मानसी कन्या थी, जो पांच जन की श्रेष्ठ पुत्रवधू, अंशुमान की पत्नी और महाराज दिलीप की माता और भागीरथ की पितामही थी। अभीष्ट कामनाओं एवं भोगों का फल प्रदान करने वाली कामदुद नामक अन्य पितृलोक भी है, जहां उत्तम व्रत परायण स्वयसुदा नाम वाले पितर निवास करते हैं। वे ही पितर प्रजापति करदम के लोकों में आजप्य नाम से प्रख्यात हैं। महर्षि पुलय के अंग से उत्पन्न हुए वैश्यगण, देखिए वैश्यों की उत्पत्ति इस पुराण में महर्षि पुलय के अंगों से बतलाई है, उनकी भावना पूजा करते हैं। श्रद्धा करता सभी वैश्यगण इस लोकों में, इन लोकों में पहुंचकर 10,000
जन्मांतरों में देखे और अनुभव किए हुए अपने हजारों माता पिता भाई बहन मित्र संबंधी और बांधवों को एक साथ देखते हैं। इन पितरों की मानसी कन्या मिर्जा नाम से विख्यात थी, जो राजा नहुष की पत्नी और राजा ययाति की माता थी। बाद में वह पति परायणा मिर्जा ब्रह्मलोक को चली गई और वहां एकाष्टा नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मैंने तीन पितृगणों का वर्णन किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब इसके बाद चौथे गण का वर्णन कर रहा हूं। ब्रह्मांड के ऊपर मानस नामक लोक विद्यमान है, उनमें अविनाशी सोमक नामक पितर निवास करते हैं। ये ब्राह्मणों के पितर हैं। देखिए श्रोताओं, अब तक मैं चारों पितर बता चुका हूं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्यों के। उनकी मानसी कन्या नर्मदा नाम से प्रसिद्ध है। वे सभी पितर धर्म की मूर्ति धारण करने वाले तथा ब्रह्मा से भी परे कहलाए गए हैं। स्वेदा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे सभी योग अभ्यासी पितर ब्रह्मत्व को प्राप्त करके सृष्टि आदि समस्त कार्यों से निवृत्त हो इस समय मानस लोक में विद्यमान हैं। उनकी ये नर्मदा नाम की कन्या भारत के दक्षिण पथ में जाकर जल प्रवाहित करने वाली नदी हो गई, जो समस्त प्राणियों को पवित्र कर रही है। इन्हीं पितरों की परंपरा से मनुगण अपने अपने कार्यकाल में सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं का निर्माण करते हैं। इस रहस्य को जानकर लोग धर्म का अभाव हो जाने पर भी सर्वथा श्राद्ध करते रहते हैं। इन्हीं पितरों की कृपा से पुनः इन्हीं के द्वारा योग परंपरा को प्राप्त करने के लिए सृष्टि के आरंभ में पितरों के लिए श्राद्ध का ही निर्माण किया गया है। इन सभी पितरों के निर्मित चांदी का अथवा चांदी मिश्रित अन्य धातु का भी पात्र आदि स्वेदा का उच्चारण करके दान कर दिया जाए तो वह सर्वथा पितरों को प्रसन्न करता है। विद्वान श्राद्धकर्ता को चाहिए कि श्राद्ध काल में प्रथमतः अग्नि, सोम और यम का तर्पण करके उन्हें तृप्त करें और पितरों के उद्देश्य से दिया गया अन्न आदि अग्नि में छोड़ दें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ पर जल में, अजाकरण पर, अश्वकरण पर, गौशाला में अथवा जल के निकट डाल दें। पितरों का स्थान आकाश में बतलाया जाता है, उनके लिए दक्षिण दिशा विशेष रूप से प्रशस्त मानी गई है। प्राचीनावीत होकर दिया गया जल, तिल, सव्यांग शरीर का दाहिना भाग, डाब, फल का गुदा, गोदुग्ध मधुर रस, खंग, लोह, मधु, कुश, सामा, आघनी का चावल, यत्र तिन्नी का चावल, मूंग, गन्ना, श्वेत, पुष्प और घृत, ये पदार्थ पितरों के लिए सर्वथा प्रिय और प्रशस्त कहे गए हैं। अब जो श्राद्ध कार्य में वर्जित तथा पितरों के लिए अप्रिय है उन पदार्थों का भी मैं वर्णन कर रहा हूं। मसूर, सण, सेम, काला उड़द, कुसुम का पुष्प, कमल, बेल, बिल्व पत्र, मदार, धतूरा, पारिभद्र, नीम, देवदारू का पुष्प, अंगसेल का फूल तथा भेड़ और बकरी का दूध, इन्हें पितृ कार्यों में कभी नहीं लेना चाहिए। पितरों से कल्याण प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष को श्राद्ध कार्य में कोदो उधार, गुलू के वृक्ष का पुष्प अथवा पत्ता, चना, कैथ, महुआ, अलसी, इन पदार्थों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक श्राद्ध द्वारा पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी बदले में हर्षित कर देते हैं। वे पितृगण प्रसन्न होकर समृद्धि, स्वर्ग, आरोग्य और संतान रूपी फल प्रदान करते हैं, इसलिए देव कार्य से भी बढ़कर पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है तथा देवताओं से पूर्व ही पितरों के तर्पण की विधि बतलाई गई है। ये पितर शीघ्र ही कृपा करने वाले, क्रोध रहित, शस्त्र विहीन, दृढ़ मैत्री युक्त, शांतात्मा, पवित्रता परायण, सदा प्रियवादी, भक्तों के प्रति अनुरक्त और सुखदायक गृहस्थों के प्रथम देवता है। हविष्य धान का भक्षण करने वाले इन पितरों के अधिनायक पद पर श्रद्धा के रूप में, श्राद्ध के रूप में, श्राद्ध के देवता रूप में, हविष्यान्न का भक्षण करने वाले इन पितरों के अधिनायक पद पर श्राद्ध के देवता रूप में सूर्य अधिष्ठित किए गए हैं। इस प्रकार ये पितृवंश का वर्णन मैंने तुम लोगों को पूर्ण रूप से बतला दिया है। ये पुण्य प्रदाता परम पवित्र और आयु की वृद्धि करने वाला है। मनुष्यों को सदा इसका पठन पाठन करना चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, ये थे पितृलोक की, कौन सा पितृलोक शूद्रों का है, कौन सा क्षत्रियों का है, कौन सा ब्राह्मणों का है और कौन सा वैश्यों का है। ये सभी पितृलोक आज मैंने आपकी सेवा में सुनाए
और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ आपसे लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।